अगर कोई दोस्त हमें देख रहा है तो प्लीज हमें रिप्लाई दीजिए कि आवाज वगैरह कैसी आ रही है, आवाज वगैरह सही आ रही है क्या? जल्दी बताइए दोस्तों, आवाज कोई है यहाँ पे? आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आए हैं अरुण गुप्ता जी, स्वागत है आपका। ज्योति दीक्षित जी सर, ओके ओके, जल्दी आइए और ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे साथ जुड़ सके और हम जल्दी से जल्दी इसको लाइव करें। मैं देख लेता हूँ, क्रेजी बॉय, हेलो हेलो जी, बलजीत, हेलो सर, हेलो जी, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पे। और दोस्तों आज हम लाइव मॉक टेस्ट लेने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करवा दिया है। और सबसे पहले दोस्तों ये बताइए कि क्या आपको आवाज़ सही सुनाई दे रही है? आवाज़ सही आ रही है? क्वालिटी आवाज़ बताइए, सभी बताइए, आवाज़ आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? बलजीत जी, क्रेजी बॉय, ज्योति जी, अरुण जी, सभी बताइए प्लीज, आवाज सही आ रही है आवाज? कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, प्लीज आप रिप्लाई दीजिए। डेफिनेटली यस सर, वेरी गुड। चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं हमारे मॉक टेस्ट की। इससे पहले दोस्तों अगर आप कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं तो कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। हम पेड कोर्स चला रहे हैं जून 2020 एग्जाम के लिए। इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवा रहे हैं। तो अगर किसी भी दोस्त को हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकता है। लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, और आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी हमने दिया हुआ है। गुड इवनिंग जी सभी को, सभी को नमस्ते। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी ऐप निमिजी नेट डाउनलोड नहीं किया तो वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर हम आपको बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल दे रहे हैं फ्री के अंदर, ठीक है? तो चलिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हम अपना टीचिंग एप्टीट्यूड से लेके आए हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बताइए, एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है? ब्लैक बोर्ड पे कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए एक अध्यापक को? नंबर ए, तेजी से तथा जहां तक संभव स्पष्ट लिखना चाहिए। और दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर और आंसर लिखना, क्वेश्चन नंबर और फिर उसका आंसर लिखना, ठीक है? ज्योति का आया है डी, और ऑप्शन नंबर बी है इसमें, सर्वप्रथम विषय वस्तु को लिख देना तथा फिर विद्यार्थियों को उसे पढ़ने के लिए कहना। सर निमिजी नेट आपका पीडीएफ फ्री है जी? हाँ जी, काफ़ी पीडीएफ हमारी फ्री है। अरुण गुप्ता ने डी दिया है, ज्योति ने डी दिया है, बलजीत जी ने डी दिया है, सभी का डी आंसर आया है। मुख्य बातों को जहां तक हो संभव और स्पष्टता से लिखना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यहाँ पे आप इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर देख सकते हैं। वेरी गुड जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने शुरुआत की, सभी दोस्तों ने, काफी अच्छा लग रहा है। और चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह, अब इसका बताइए दोस्तों। नमस्ते जी, वंदना जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू, एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है। ज्योति ने ए दिया है, विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देते हैं, विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तैयार करता है, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है। बलजीत जी ने टू का ए दिया है, ज्योति ने ए दिया है। निशु आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे, क्वेश्चन नंबर लिखा कीजिए ताकि हमें पता चल जाए। वंदना जी, गुरजंत सिंह जी, प्लीज आप क्वेश्चन नंबर लिखा कीजिए। अरुण गुप्ता जी टू का ए दिया है, अरुण जी ने। पूनम धनकर ने टू का डी दिया है। चलिए इसका हम आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। और इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर ए है। जिन जिन दोस्तों ने ए दिया है, बंदने ने दिया है, काफी दोस्तों ने ए आंसर दिया। अनिल कुमार मंडल, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। इसका आंसर बिल्कुल सही है, ए, विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और इसके अंदर हम मात खा जाते हैं। अनिल कुमार मंडल जी आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, क्वेश्चन नंबर थ्री,
इसका आंसर बताइए। और दोस्तों हम मुश्किल क्वेश्चन भी लेके आने वाले हैं अभी धीरे धीरे, अभी ये शुरुआत है हमारे क्वेश्चन की, इसकी मॉक टेस्ट की। क्वेश्चन नंबर 3, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आप इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर देख सकते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसमें ऑप्शन है केवल शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता, केवल उत्प्रेरक का अपेक्षित स्तर, केवल शिक्षा ग्रहण करने के अवसर। 3 का डी, अरुण कुमार गुप्ता ने डी दिया, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। पूनम जी ने 3 का डी दिया है, टॉम परफेक्स ने डी दिया है, वेरी गुड। ज्योति ने डी दिया है, सर आप क्वेश्चन नंबर लिखा कीजिए। टॉम जी आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते, ज्योति जी आप भी नहीं लिखते। प्रोफेसर ए के महतो 3 का डी, वेरी गुड सर। काफ़ी दोस्तों ने इसका डी आंसर दिया है और काफ़ी खुशी हो रही है दोस्तों कि आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सभी के सभी दोस्त। इसका मतलब है कि आपने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टडी कर रखी है टीचिंग एप्टीट्यूड की। और दोस्तों ये अगर बेसिक क्वेश्चन ही हमारे गलत होंगे तो हम आगे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप। अनिल कुमार मंडल ने 3 का बी दिया, गलत है सर आपका। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बताइए अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग, ये हमें बताना है दोस्तों। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट में लेके आऊँ ये रिपीटेड क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुए हैं। अरुण कुमार गुप्ता ने 4 का बी दिए, समस्या समाधान अध्ययन, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। चलिए और देखते हैं और बताइए। पूनम धनकर जी आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते, पिटाई होगी आपकी, ठीक है ना, पिटाई कर देंगे। 4 का बी सिंह, गुरजत सिंह ने, पूनम ने, सुबीर सरकार ने, बलजीत ने, सभी ने इसका आंसर बी दिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। वाओ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो अब क्या है इसका आंसर, इसका आंसर डी है दोस्तों, सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन। ये दोस्तों ये क्वेश्चन तो मेरे को भी सही नहीं लगता, समस्या समाधान अध्ययन, ये क्वेश्चन दोस्तों मुझे भी सही नहीं लगता। चलिए इस क्वेश्चन को हम साइड में रखते हैं और इसका हम देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए। मैं जो ऑफिशियल आंसर के उसमें मैच करके देखता हूँ क्या होना चाहिए इसका। मेरे को भी इसका आंसर बी लग रहा है, बी होना चाहिए, ठीक है। और किसी को अगर इसका आंसर डी लग रहा है और तो वो आप हमें बता सकते हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, एक स्मार्ट कक्षा, टॉम परफेक्स रिफ्लेक्टिव है सर, मुझे नहीं लग रहा डी। हाँ सर इसमें थोड़ा कंफर्म करेंगे हम, मेरे को बी लग रहा है उसके अंदर, सभी दोस्तों ने भी बी आंसर दिया तो कुछ ना कुछ सोच के ही दिया है, उन्होंने भी पढ़ रखा है। और टॉम परफेक्स ने डी आंसर दिया तो वो हम वेरिफिकेशन करेंगे उस चीज़ की, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी इंसान हूँ आपकी तरह, गलती मेरे से भी हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 बताइए दोस्तों, 5 का डी, एक स्मार्ट कक्षा शिक्षण का वह स्थल है जिसमें, जो स्मार्ट कक्षा होती है उसके अंदर क्या क्या होता है। ज्योति ने डी दिया है, 1, 2, 3, 4। अरुण कुमार गुप्ता ने 5 का डी दिया है, और बताइए दोस्तों क्या होगा इसका। बलजीत जी ने 5 का डी दिया है, यानी कि पीसी लैपटॉप होने चाहिए, डॉक्यूमेंट कैमरा होना चाहिए, प्रोजेक्टर और स्क्रीन होनी चाहिए, स्मार्ट पैनल, हाँ ये सभी। देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये सारी की सारी चीज़ें स्मार्ट कक्षा के अंदर होनी चाहिए। पूनम धनकर जी बहुत बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर रही हैं और लगभग आज सभी दोस्त काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर, ये देखिए ये ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर है और वहाँ पे कुछ और था पहले जो क्वेश्चन था, इसका आंसर बताइए दोस्तों। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सर मेरा 2 क्वेश्चन छूट गया, कोई बात नहीं जी आप आसानी से कर लेना। टॉम परफेक्स ने डी दिया है, ज्योति ने डी दिया है, अरुण कुमार गुप्ता ने डी आंसर दिया है इसका, बलजीत जी ने भी डी दिया है, और बताइए दोस्तों और
किस किस का क्या आंसर है। वाह सबीर जी बहुत बहुत स्वागत है। बलजीत जी गुरजंत सिंह जी 6 का डी दिया है। सीता यादव ने डी दिया है, बहुत अच्छा सर। और बंदना ने डी दिया है, इसका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर 4 है। मूल्यांकन करना, इवेल्युएटिंग जो है वो हमारा योग्यता का उच्चतम स्तर होता है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत खुशी होती है मेरे को जब आप इतना अच्छा अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षा का प्रभावित नहीं करता। कौन सा तत्व ऐसा है जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता। और ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत बार हमारे रिपीट हुए हैं और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, तो बताइए दोस्तों जो हमारी टीचिंग को इफेक्ट नहीं करते वो बताइए। शिक्षक का ज्ञान, कक्षा की ऐसी गतिविधियां जो सीखने को प्रोत्साहित करती है, शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, अनुभव द्वारा सीखना। 7 का सी, वंदना ने सी दिया, ज्योति ने सी दिया है, किशोर ने सी दिया, अनिल कुमार मंडल ने सी दिया है। कितनी देर से कहाँ कहाँ मस्ती कर रहे थे सर आप, बीच में भाग गए, भागो मत भाई। सीता यादव ने 7 का सी दिया है। राधे राधे क्वेश्चन नंबर लिखा कीजिए सर। अरुण कुमार गुप्ता ने सी दिया है। चलिए बहुत अच्छा खेल रहे सर आप सभी, और इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि ये जो है शिक्षण को प्रभावित नहीं करती। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आप सभी दोस्तों का। और ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसमें हम टाइम ले लेते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। वे संकल्पना धारण को लंबे समय तक याद बनाए रखने में मदद करती है, वे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करती है, वे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती है, वे रटकर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। तो बताइए इनमें से कौन कौन से ऑप्शन होने चाहिए, और इसका आंसर मेरे ख्याल से सभी दे देंगे। 8 का 2 दिया है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ए बी सी इन्होंने दिया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, और बताइए ज्योति ने बी बी बी, सभी बी दे रहे हैं। राधा वेरी गुड जी, राधा जी अब की बार आपने क्वेश्चन नंबर लिखा है। प्रोफेसर ए के महत्तो ने 8 का बी दिया है, ए बी सी। वाओ, और जिसका भी ये गलत आंसर होगा ना उसकी पिटाई होगी भाई, इतना आसान क्वेश्चन है और इतना मजेदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसकी घर आके पिटाई करूंगा मैं आगे, समझ में। और जिन जिनका ये सही है उनको क्या देंगे, उनको एक बहुत अच्छा गिफ्ट देंगे, क्या देंगे देखते हैं क्या देंगे। अनिल कुमार मंडल वेरी गुड सर, 8 का बी दिया है, और सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई, आप सभी ने इसका आंसर बी दिया है और बी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। जो शिक्षण सहायक सामग्री वो हमें रटकर सीखने की प्रक्रिया का बढ़ावा नहीं देती, वो रटना नहीं सिखाती हमें, तो ऑप्शन नंबर डी है, इसे काट के और सभी के सभी ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि किसी का ये आंसर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, उपलब्धि परीक्षण प्राय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। केवी समाधान के न्यू पैटर्न वाले बुक गिफ्ट में दीजिए। सर देंगे, जरूर देंगे, वो भी देंगे अगर किसी के एक निकालते हैं, चलो इस पे ना एक गिव वे निकालते हैं, बहुत जल्द निकालते हैं, और उसके अंदर केवी समाधान की हम बुक देंगे आपको फ्री के अंदर, जो उस कॉन्टेस्ट के अंदर परफॉर्म अच्छे से करेगा। ठीक है, सोचते हैं सर इसके बारे में। और ये बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज फॉर पर्पज ऑफ, ये बताइए दोस्तों, उपलब्धि परीक्षण प्राय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अचीवमेंट टेस्ट के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, इनके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, अगर आपने वो हमारी वीडियोस नहीं देखे तो वो आप देखिए। 9 का 4, 9 का शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए अचीवमेंट टेस्ट, देखते हैं सर क्या होता है। पूनम ने 4 दिया है, प्रोफेसर ए के महतो ने 4 दिया है, अनिल कुमार मंडल ने 9 का डी दिया है। चलिए 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 जल्दी 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 बताइए दोस्तों। बलजीत जी ने 9 का डी दिया है, टॉम ने डी दिया है, अनिल कुमार मंडल काफी बार दे रहे हैं, राधा ने 9 का 4 दिया है।
चलिए दोस्तों, इसका हम आंसर देखते हैं। इसका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। ये हमें शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा में मूल्यांकन के लिए, यानी कि जो हमने क्या सीखा है उसका पता किया जाता है इसके अंदर, उपलब्धि परीक्षण के अंदर। वंदना ने 9 का डी दिया है। अब तक सभी दोस्त बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। और अभी हमारे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो आप थोड़ा धैर्य रखिए। 9 का ए, सीता यादव जी, क्या किया आपने? सही नहीं है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। एक अच्छा शिक्षक वह है, अच्छा शिक्षक कौन है ये बताइए दोस्तों। उपयोगी सूचनाएं देता है, जो संकल्पनाओं और सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, विद्यार्थियों को मुद्रित नोट्स देता है, छात्रों को सीखने के लिए अभी प्रेरित करता है। 10 का बी वंदना ने दिया है, 10 का टू, 10 का डी अनिल कुमार मंडल ने, प्रोफेसर AK महतो ने 4, 10 का डी दिया है, डी दिया है। अरुण कुमार गुप्ता ने 10 का 4 दिया है, छात्रों को सीखने के लिए अभी प्रेरित करना, इंस्पायरिंग स्टूडेंट टू लर्न। प्रिया ने 10 का 2 दिया, अनिल कुमार ने डी दिया है, राधा ने डी दिया है। वाह क्या बात है, वेरी गुड दोस्तों। छात्रों को सीखने के लिए अभी प्रेरित करता है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो मोटिवेट करे, इंस्पायर करे स्टूडेंट को सीखने के लिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ये 16 में भी आया है, 18 में भी आया है, 17 में भी आया है, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है? व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन? इसके बारे में बताइए दोस्तों। इवेल्युएशन के बारे में मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, उसके अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। सर आप बड़ा मस्त सिखाते हैं, काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। थैंक यू जी, थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का वंदना ने 4 दिया है, बी सी डी। वाओ क्या बात है, बलजीत ने डी दिया, 11 का डी दिया है, बी सी डी। ला 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 ला, अरुण कुमार गुप्ता ने 11। अरुण कुमार गुप्ता तो बहुत अच्छा खेल रहे सर, बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हैं, काफी दोस्त है काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं सभी का नाम शायद ना ले सकूं। टॉम जी, बी सी डी, बी सी डी। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हम देखते हैं। मोस्टली दोस्तों ने इसका आंसर, अनिल कुमार मंडल ने भी डी दिया है, मोस्टली दोस्तों ने 11 का आंसर डी दिया है। और दोस्तों, एक बार क्वेश्चन का आंसर बताने के बाद बार बार रिपीट मत कीजिए सर। अनिल कुमार मंडल सर, आप प्लीज बार बार रिपीट मत कीजिए, क्योंकि इससे स्क्रीन में फिर प्रॉब्लम होती है, जो स्क्रीन दिखाई नहीं देती। ठीक है, एक बार आप आंसर दे दीजिए, हम पढ़ लेंगे आपका आंसर, हमें पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है? व्हाट आर रिक्वायरमेंट फॉर गुड टीचिंग? ये बताइए दोस्तों। बलजीत सिंह जी, आप गजनी हो क्या? आप भूल जाते हो, क्वेश्चन नंबर लिखा कीजिए। ये बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या होना चाहिए? 12 का ए, प्रोफेसर AK महतो ने 12 का ए दिया, ए बी सी डी। वाओ 12 का ए, वंदना ने भी ए दिया है। चलिए महतो जी, अशोक को, सॉरी मैं नाम भूल गया। और बताइए दोस्तों, सभी बताइए। 12 का ए, अनिल कुमार ने ए दिया है, ज्योति ने ए दिया है, टॉम ने ए दिया है, सीता, हाँ अरुण कुमार गुप्ता ने 12 का। फोर सर क्या कर रहे हैं, 12 का ए, 12 का बी, बलजीत ने बी दिया है। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर ए है। और अरुण कुमार गुप्ता जी, ये आपने क्या किया, क्या किया, अच्छे से देखते क्वेश्चन को, इसमें सभी चीजें आएगी दोस्तों, निदान आएगा, उपचार आएगा, निर्देश आएगा, प्रतिपुष्टि आएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारक वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप इंग्लिश हिंदी में पढ़ सकते हैं, यानी कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हमें बताने हैं, सीधी सी बात है। तो ये बताइए दोस्तों, इसमें कौन कौन से आएंगे, शिक्षण को कौन कौन प्रभावित करते हैं सकारात्मक रूप से, वो बताइए हमें। इसको आप आसानी से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से पढ़िए इसका, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक एक ऑप्शन को आप पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए है, अध्यापक को विषय का ज्ञान होना चाहिए, अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि,
अध्यापक का संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता, विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क, कक्षा व्यवहार के संचालन और अनुसरण में अध्यापक की अक्षमता। इसमें इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, इसमें नेगेटिव चीज देख लीजिए जो नहीं आनी चाहिए उसको हटा के और सारे के सारे ऑप्शन इंक्लूड कर दीजिए। 13 का डी, 13 का डी, वंदना ने, बलजीत ने सी दिया है, वंदना ने 4 दिया है, सीता ने डी दिया है, और ए के महत्व ने 4 दिया है। अरुण कुमार गुप्ता जी आप बताइए, दोबारा बताइए। टॉम दोबारा बताइए। अनिल कुमार मंडल जी प्लीज आप बताइए क्या आना चाहिए इसका आंसर। हाँ, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, लेकिन हमें कंफ्यूज कर देते हैं। टॉम परफेक्ट्स ने 13 का डी दिया है। टुडे सर आई एम लेट, कोई बात नहीं सर। बलजीत ने 24, क्या है सर 24 क्या है, सही बताइए। अनिल कुमार मंडल 13 का डी, सर प्लीज आप एक बार ही आंसर दिया करें। 13 का सी। अरुण कुमार गुप्ता ने 13 का ACF दिया है, ACF यानी कि 4 दिया है इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों इसका हम आंसर देख लेते हैं, ज़्यादा वेट नहीं करते। इसका आंसर बिल्कुल सही है अरुण कुमार गुप्ता जी, आप बहुत अच्छा स्टडी कर रहे हैं, और भी काफ़ी दोस्त अच्छे से स्टडी कर रहे हैं जिन्होंने इसका आंसर 4 दिया है। इसका आंसर 4 है दोस्तों, बिल्कुल सही है, ACF आएगा। तो अब थोड़ा अच्छा सा अच्छे से इसको देखना, जैसे कि इसमें बी नहीं है। अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, ये हमें पता है कि टीचर की जो आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि है वो शिक्षण पे प्रभाव नहीं डालती। तो जो नेगेटिव चीज़ है उनको हटा के पॉजिटिव जितनी है वो आंसर दे दीजिए। तो इस तरीके से हम बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? सर MOC का तो टॉपिक एक दिन पहले दे देते तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होता, अगर हो सके तो इसको कंसाइडर करें। ठीक है सर, जरूर करेंगे, और आपके जितने भी सवाल सुझाव है आप सभी दोस्तों के, वो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमने ऊपर लिखा हुआ है। 14 का 4 है, अरुण कुमार गुप्ता ने 4 दिया है। शिक्षक की प्रभाविकता की प्रति पुष्टि प्रदान करना, प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर इफेक्टिवनेस। ज्योति ने 14 का डी दिया है। अनिल कुमार मंडल ने डी दिया है। टॉम ने पता नहीं क्या दिया है। बताइए दोस्तों, आज काफी कम दोस्त आए हैं वैसे इसमें ऑनलाइन मॉक टेस्ट में, चलिए कोई बात नहीं। राधा ने 14 का 4 दिया है। ज्योति डी नहीं, मैंने बी दिया है, सॉरी जी, हाँ बी दिया है जी, आपने बी दिया है, ज्योति ने बी दिया है। भारत महतो ने 14 का 4 दिया है, वेरी गुड दोस्तों। चलिए इसका हम आंसर देखते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में क्या होता है। और ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है दोस्तों, जिसका भी ये गलत होगा ना उसकी पिटाई होगी। घर आके आपके मम्मी पापा को बताऊंगा मैं कि मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ फिर भी आप गलत करते हैं। प्रोफेसर ए के महतो जी आप क्या कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सही है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य, इसके अंदर स्टूडेंट लर्निंग, छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना। ये दोस्तों ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। जिन्होंने इसका आंसर 4 दिया है ना, 4 के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर प्रतिपुष्टि कब होता, जब हम स्टूडेंट से फीडबैक लेते ना तब इसका आंसर 4 हो सकता था, लेकिन अब यहाँ पे गलत क्यों होगा, शिक्षक की प्रभाविकता की प्रतिपुष्टि की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा इसका, इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना, एक्सिलरेटिंग स्टूडेंट लर्निंग परफॉर्मेंस, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। क्योंकि जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के अंदर क्या होता है कि हम कंटिन्यूसली देखते रहते हैं स्टूडेंट ने क्या सीखा है, क्या उसमें कमी रही है, तो वो हम सारी चीज़ें उसका देखते रहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस में सुधार करने की कोशिश करते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 कब ठीक होता ये आप अच्छे से समझ लीजिए, ये तब ठीक होता जब हम स्टूडेंट से फीडबैक लेते, तब ये होता। ठीक है, तो अरुण कुमार गुप्ता ने इसका आंसर 4 दिया था। जिन जिन दोस्तों ने इसका आंसर 4 दिया था वो इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि इसका आंसर फीडबैक भी आता है, मेरे को पता है फीडबैक भी आता है, लेकिन कब आता है, जब स्टूडेंट फीडबैक देता है तब इसका आंसर आता है। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को समुच्चय में कौन सा कथन स्वीकार्य कथन है? अधिगम, शिक्षण और अधिगम में क्या रिलेशन है ये हमें बताना दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, शिक्षण और अधिगम से रिलेटेड मैंने आपको वीडियोज में बताया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। ये बताइए दोस्तों, शिक्षण और अधिगम में क्या रिलेशन है दोनों के अंदर? तो इसमें हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर आई एम अंडरस्टैंड, वेरी गुड सर। इसमें बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में, 15 में बताइए, ऑप्शन ए है, जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। 15 का बी दिया है, ज्योति ने बी दिया है। और ऑप्शन नंबर सी है, इसके अंदर 3 जो है, अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता, कोई शिक्षक शिक्षण करता है परंतु सीखता भी है। 15 का बी, ज्योति ने बी दिया है। और बताइए दोस्तों और किस किस का क्या आंसर है 15 का बी? और अरुण कुमार गुप्ता ने 15 का 4 दिया है, 1 3 1 2 V 5 1 2। चलिए दोस्तों इसका आंसर हम देखते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट जरूर करना और इसका हम आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर 2 है दोस्तों, अरुण कुमार गुप्ता जी आप थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, थोड़ा देखिए सर। ठीक है, इसका आंसर 2 होगा। ये आप सभी पॉइंट है अच्छे से पढ़ लेना। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है आपको पीछे की वीडियोस में, तो वो आप वीडियोस देखिए, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर 2 क्यों आया है। मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाया है उसके अंदर। ठीक है, और दोस्तों एक और चीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे ना तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर किया कीजिए। और किसी भी दोस्त ने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। ये अधिगम के बारे में है, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाए हुए ये क्वेश्चन। अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, अभिकथन है ये। तर्क इसने क्या दिया है? अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। 16 का ए, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। इसमें पता चलेगा अरुण कुमार गुप्ता ने ए दिया है। और चलिए इसका जल्दी जल्दी दोबारा से आंसर दीजिए। 15 का प्रोफेसर ए के महतो ने 15 का 2 दिया है, टॉम ने ए दिया है 16 का, अरुण कुमार ने 1 दिया है, ज्योति ने ए दिया है, टॉम ने ए दिया है, अनिल कुमार मंडल ने ए दिया है, बलजीत ने ए दिया है, मनोज ने ए दिया है। देख लीजिए दोस्तों सभी ए दे रहे हैं, कहीं ना गलत ना हो जाइए। ठीक है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसी में आपको पता चलेगा कि कौन अच्छे से स्टडी कर रहा है, किसको अधिगम और शिक्षण समझ में आया है या नहीं, ये आपकी पूरी समझ बता देगा। आप अभी भी दोबारा, अगर किसी को डाउट है तो दोबारा इसका आंसर दे सकता है। ए जो आंसर दे रहा है ना वो सोच समझ के दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपके आपकी जो मानसिकता है उसके बारे में पता चल जाएगा कि आपको कितना कुछ आता है या नहीं आता है। तो लास्ट एंड फाइनल मैं मौका दे रहा हूं, प्लीज आप बताइए 16 का आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, जिन्होंने जो आंसर दे चुके हैं वो भी दोबारा बता सकते हैं। टॉम है, अरुण कुमार गुप्ता है, जो भी दोस्त है वो अनिल कुमार मंडल है। अब सभी एक बार दोबारा से बताइए, 15 का बी, 16 का बताइए दोस्तों जल्दी से, 16 का मनोज कुमार ने ए दिया है, वेरी गुड। देखते हैं इनका सही है या गलत, वो तो अभी पता चल जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, अभी मैं दिखाने वाला हूँ इसका आंसर क्या होगा और बताने वाला हूँ कि आपको कितना कुछ आता है। मेरे हिसाब से 2 ही होना चाहिए। अनिल कुमार मंडल ने बी दिया है, वेरी गुड। चलिए अनिल कुमार मेहता जी आप बताइए, टॉम जी आप बताइए, सबीर सरकार 16 का ए, बलजीत का 16 का ए, टॉम और अरुण कुमार गुप्ता जी प्लीज जल्दी से बताइए, जल्दी 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 बताइए, फिर अगला क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए दोस्तों नहीं बता रहे कोई बात नहीं, इसका हम आंसर देख लेते हैं, आंसर इसका ए ही है दोस्तों। ठीक है, मैं बार बार कह रहा था आपको कि इसमें आपका पता चल जाए, 16 का ए, वेरी गुड। चलिए अब आ रहा है सीता यादव जी, आपकी आपकी मम्मी को कह के आऊंगा मैं घर जाके, ठीक है ना, आप अच्छे से नहीं पढ़ते, आपकी पिटाई करनी पड़ेगी।
हाँ टॉम, एक ही, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छा। दोस्तों ये देखिए, अधिगम एक जीवंत पर्यंत प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही है। जो अधिगम है, लर्निंग है, वो पूरी जिंदगी चलती रहती है, कभी भी स्टॉप नहीं होती। और अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। सर आप कंफ्यूज कर दें। हाँ करता हूँ, जरूर करता हूँ। कंफ्यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी को, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी आप कंफ्यूज होंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसका आंसर क्या है? जैसे टॉम को था कॉन्फिडेंस, अरुण कुमार गुप्ता को था, तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए, और इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले की जो वीडियोज है उसमें बताया है, तो वो वीडियोज आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी हमारा कथन अभिकथन से है। देखिए दोस्तों, कथन अभी, सर ऐसे क्वेश्चन तो करेक्ट एक्सप्लेन कैसे करते हैं, जुड़ने मुश्किल हो पाते हैं। आपको बताएंगे सर, जिसके भी जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे नहीं पढ़ पाता, उनका आंसर नहीं दे पाता, आप सभी हमें व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। वहाँ पे आपके जितने भी सवाल जवाब है वो आप हमें वहाँ पे पूछिए। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए दोस्तों, क्वेश्चन 17 का आंसर। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आता हूँ आपके सामने ताकि आप अच्छे से इनको कर सके, और ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होते हैं करने में, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्योति ने 17 का 3 दिया है, अरुण कुमार ने 17 का A दिया है। सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, ये बताइए होता है या नहीं होता, पहले ये सोचिए। सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है या नहीं होता। तर्क दिया है, अधिगम को उपयोगी होने के लिए इसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बलजीत ने 17 का C दिया है। सर क्वेश्चन है मेरे पास, पूरे पेज एक्सप्लेन है, वेरी गुड सर। टॉम ने 17 का C दिया है, अनिल कुमार मंडल ने C दिया है। यस सर, आप बहुत अच्छा कराते हैं, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ ये मेरी तरफदारी करके बचना चाहते हैं, सीता यादव बचोगे नहीं आप, आपके मम्मी पापा को कहूँगा आप अच्छे से नहीं पढ़ते, मेरे को रिश्वत दे रहे हो मेरी तारीफ करके। 17 का C, भारत कुमार ने 17 का 2 दिया है, कंफ्यूज क्या कीजिए। यस यस यस, वंदना ने 16 का D, 17 का C। हा, जिस जिसका भी ये गलत होगा उसकी पिटाई होगी, और जिसका सही होगा उसको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन जिनका ये क्वेश्चन सही है उनको हम KVC में लेके जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका हम आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है, 17 का C, वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर बिल्कुल सही है, CA सही है, लेकिन R गलत है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आपने इसका आंसर सी दिया, 3 दिया है। इससे ये पता चलता है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, आप अच्छे तरीके से, आपको समझ में आ रहा है। सर KVC नहीं, निमीजी में जाना है। हाँ सर जरूर, आप निमीजी में नहीं, आपको JRF में लेके जाएंगे, ठीक है, JRF में, निमीजी में आप ऑलरेडी हो, JRF में लेके जाएंगे। सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, ये बात इसकी बिल्कुल सही है, लेकिन आर जो है ये गलत है दोस्तों। अधिगम को उपयोगी होने के लिए इसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए, ये बात इसकी बिल्कुल गलत है। कि जैसे मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले समझाया हुआ है कि सीखने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई हमें सिखाने वाला होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सीखना हम सीख कहीं भी सकते हैं, एक छोटा बच्चा भी सीख सकता है, एक बुजुर्ग इंसान भी सीख सकता है। तो इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं, संकलनात्मक परीक्षण के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसके अभिव्यक्त सुव्यवस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यित करता है, इसे कहा जाएगा। हा, हिंदी में देखो कितना डिफिकल्ट है ना, तो इसीलिए मैं कहता हूं इंग्लिश हिंदी दोनों आपको आनी चाहिए। 18 का बताइए दोस्तों, 18 का, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सुमेटिव टेस्ट ए टीचर इज इंटरप्रिटेटिंग हिज हर स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ देयर वेलनेस लाइफ स्टाइल एविडेंस इन बिहेवियर दिस विल बी कॉल्ड, ये बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और ये जो है दोस्तों इवेल्युएशन सिस्टम मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाए हुए हैं, और मूल्यांकन प्रणाली जो है वो काफी अच्छे तरीके से करवाई हुई है, ठीक है, ये बताइए दोस्तों। 18 का D, मनोज कुमार ने D दिया है, निष्कर्ष संदर्भ परीक्षण क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट।
रीना यादव ने 18 का डी दिया है, अरुण कुमार ने 18 का 3 दिया है। चलिए चलिए चलिए, प्रोफेसर ए के महतो ने डी दिया है, बलजीत ने सी दिया है, अनिल कुमार मंडल ने सी दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ये किस तरह से होगा दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में मैंने आपको बताया है। 2018 जुलाई के क्वेश्चन मुझे याद है, मेरे वहां से गलत हुए थे। ओहो दोस्तों, मैंने ये जितने भी इवैल्यूएशन सिस्टम है इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है। अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने लग गया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी दोस्त को इन क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है कि इसका आंसर ये 4 कैसे हुआ, तो आप हमारी ओल्ड वीडियोज़ है वो आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है। तो देख लो दोस्तों, कितने डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बोलने में भी सांस चढ़ जाता है। हा, इसलिए कहता हूँ इंग्लिश हिंदी आनी चाहिए अगर आपको नेट और जेआरएफ करना है। तो ये बताइए दोस्तों, अधिगमकर्ता यानी कि जो लर्नर है, जो सीख रहा है, उसकी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए ये हमें बताना है। प्रोफेसर ए के महतो ने 19 का अनुभव, रीना यादव वाह है आप, आपकी तो अच्छी होगी, पीटना पड़ेगा आपको। हाँ, अब ए दे दिया आपने है, दूसरों का देखकर हम देखते हैं। इसका आंसर ए है, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। स्टूडेंट को कितना कुछ पहले से आता है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि उसी के अनुसार हम देखते हैं कि हमें किस तरह से टीचिंग करनी है और क्या नहीं करना। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज कर देते हैं। हमें ये लगता है इसका आंसर ए भी होगा सी भी होगा। ठीक है, बलजीत ने ये दिया, रीना कुमार यादव की तो पिटाई होगी, ये अच्छे से नहीं पढ़ रहे। अगला बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। अभी कथन इन्होंने दिया है, समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही अभी। आप जो स्क्रीन की जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी आप इंक्रीज कर लीजिए, उससे आ जाएगी। 20 का बताइए दोस्तों, वीडियो नॉट क्लियर, वीडियो नॉट क्लियर, पता नहीं क्यों नहीं हो रही। ब्लर है स्क्रीन सर, पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम होगी। यही एक वजह है दोस्तों कि मैं स्क्रीन प्रॉब्लम फेसिंग जी। चलो मैं 1 मिनट देखता हूं क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें स्क्रीन में। अरे भैया, अरे 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 अरे, क्या हो गया क्या हो गया। अभी आ रही है स्क्रीन, सही आ रही है? नॉन सर, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है, सबसे पहले आवाज का बताइए दोस्तों, आवाज आ रही है क्या? स्क्रीन एक टाइम के लिए छोड़ देते हैं, आवाज आ रही है आप सभी को मेरी अच्छी? नो सर, नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। साउंड? नो सर, नो सर, नो सर, आवाज भी नहीं आ रही। आवाज वीडियो क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं। साउंड ओके तो लिखिए, साउंड ओके, साउंड आवाज ठीक है, ऑडियो लेवल सही है सर, आवाज बस आ रही है, वीडियो क्लियर नहीं है। ओहो क्या बताऊं मैं दोस्तों, यही एक वजह है, इस वजह से मैं ऑनलाइन जो क्लासेस होती है उससे मैं बहुत बचता हूँ। वीडियो क्लियर, सॉरी वॉइस क्लियर, यही एक वजह है दोस्तों मैं ऑनलाइन क्लासेस लेने से बचता हूँ, क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि जब क्लास चल रही होती है तो बीच में डिस्टरबेंस हो जाती है, वीडियो क्लियर नहीं आती, एरर आने लगते हैं, तो पूरी मेहनत जो है हमारी खराब हो जाती है। तो दोस्तों मैं क्या करूँ जब नहीं आ रही, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं यही कह सकता हूँ मजबूरी, मुझे बहुत दुख हो रहा है दोस्तों ये कहते हुए कि आज के लिए बस इतना ही। अब मैं क्या करूँ जब आ ही नहीं रहा अच्छे से, तो माफी चाहता हूँ दोस्तों आप सभी से, अब नहीं आ रहा तो सॉरी दोस्तों। सो
अब आ रही है, अब कैसी है, वीडियो सही है, प्लीज अब बताइए। अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बंद करते इसको। सॉरी दोस्तों, मुझे मजबूरी में ये बंद करना पड़ेगा। मैं माफी चाहता हूँ आप सभी से, और क्या कहूँ, मैं काफी सैड हूँ। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, बाय। माफ करना दोस्तों मेरे को।